फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो लास्ट मोमेंट पे जो है अच्छा खासा एक शार्प फॉल आया है। तो एनालिसिस करने से पहले, ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, आप अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो या पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियो डालते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं उनके भी एनालिसिस करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और डेली निफ्टी बैंक निफ्टी जो है इसका भी एनालिसिस वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं, और कभी कभी हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं यूट्यूब लाइव। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ। पहले निफ्टी का देख लेते हैं। हमने ये वाले जो है लेवल फ्राइडे के दिन ही मैंने एनालिसिस वीडियो जो डाला था, इसमें मैंने इसके लेवल्स दिए हुए थे। सॉरी। तो मार्केट यहाँ पे लगभग थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद में ये वाला लेवल मैंने दिया था कि यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे बाउंस आ सकता है। तो ये बाउंस कम्प्लीटली यहाँ पे इस लेवल से आया है और यहाँ तक मार्केट गया है, जो कि ये वाला अपर वाला लेवल था। तो ये वाला एक ट्रेड हमने पकड़ा था, मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जो गोल्डन बुल्स नाम से है। यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है, उसे अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो जो लास्ट में फॉल आया था ना, मैंने ये वाला अपने टेलीग्राम चैनल पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये कॉल दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:51 पे मैंने ये दिया था 21,800 का, सॉरी ये सी दिया था मैंने पहले। उसके बाद में अगर देखेंगे आप, ये तो इसमें प्रॉफिट करा है हमने। एक पी भी मैंने दिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गया। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पी मैंने जो लिया था। नहीं सॉरी, पी नहीं दिया था मैंने, सी दिया था, वो जो पी नहीं दिया था। तो ये सी जो हमने दिया था 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का बाइंग मैंने पे दिया था प्राइस फॉल आने से पहले, जिसका SL जो 89 रुपीज़ का था, छोटा सा SL था, और जिसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमें गेन मिला है, जिसमें 193 का जिसने हाई लगाया है ये वाला। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जुड़ सकते हो ऐसे अच्छे वाले क्वालिटी ट्रेड्स के लिए जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम देते हैं। तो चलिए एनालिसिस की बात कर लेते हैं। निफ्टी का एनालिसिस अगर देखेंगे, इस कैंडल पे मत जाइए, ये जो क्लोजिंग है ना 21,741 का हमें क्लोजिंग मिला है, जो कि यहाँ पे आता है लगभग 74 41, ये वाला यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिला है आफ्टर मार्केट हमें। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग पकड़ सकते हो, ये कैंडल को मत पकड़िए। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें नीचे के लेवल मैंने प्लॉट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, जो कि 21,600 का है। ये मैंने फ्राइडे एनालिसिस वीडियो जो डाला था वीकली, उसमें भी मैंने ये वाला लेवल दिया हुआ है। तो कल हमें ये वाला लेवल देखने मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो लेवल है 21,600 एंड एक मिनट कितना है 93 का, तो 700 का जो लेवल है, ये मल्टीपल टाइम अभी यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो सीधे सीधे आप फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स या 1 मिनट 2 मिनट कैंडल पे आप ट्रेड करते होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक करेगा मार्केट, ये लो जो कि लो अगर पकड़ेंगे तो 680 का जो लेवल है, 21,670 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो आप तुरंत ही पुट साइड में जा सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहेगा 21,598 या
600 का आप पकड़ के चलिए, 600 तक आपको एक फॉल देखने मिल सकता है कल, और उसके अगर नीचे निकलता है तो डाउन वाला और जो नीचे वाला लेवल है 21,535 का लेवल है ये वाला। और अगर अच्छा खासा बेरिश कैंडल अगर देखने मिला तो बेरिश कैंडल ये जो गैप फिलिंग है ये भी अपने हमें देखने मिल सकता है, जो कि है 21,455 का। तो ये वाले डाउन साइड के लेवल हैं। और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए ये वाला रेजिस्टेंस अभी आज का ये बन चुका है 21,800 का, ये अपना रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे, और ये वाला जो आज का डे है इसके ऊपर ही हम लॉन्ग्स करेंगे, जो कि लेवल है 21,830। सॉरी थोड़ी सी खांसी आज, तो 21,830 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर देखेंगे तो कैंडल ये वाला आपको दिख रहा होगा बेरिश, लेकिन हमें क्लोजिंग थोड़ा सा इससे इसके ऊपर मिली है, जो कि आफ्टर मार्केट की क्लोजिंग होती है 48,234 का, जो कि 34 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये वाला जो लेवल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो ये भी जो है एक दो और ये तीसरी बार टेस्ट हो चुका है। तो इसके नीचे अगर निकलेगा जो लेवल है 48,163 का, इसके नीचे अगर निकलेगा तो 48,000 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 48,000, तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है। और इसके नीचे अगर निकलता है 48,000 अगर क्रॉस करता है तो बेटर तो यही रहेगा कि 41,000 जो राउंड नंबर है इसी के नीचे ही पुट्स के शॉर्ट मतलब शॉर्ट पोजीशन बनेगी, जो कि 47,820 तक आपको मार्केट लेके आ सकता है। और उसके बाद में अगर फर्दर डाउनसाइड के टारगेट देखेंगे तो 47,600 तक हमें एक फॉल देखने मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना सकता है एक अच्छा खासा, यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया हुआ है पिछला, अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे बार बार बाउंस भी हुआ है। तो चलिए कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी का देख लेते एक बार। फिर निफ्टी ने आज क्या किया, 15 मिनट अगर चार्ट देखेंगे तो हमने ये वाला एक जो है पैटर्न ड्रॉ किया था, जो कि अभी फेल होता हुआ दिख रहा है ये वाला, जिसका ब्रेकआउट दिया था और बार रिटेस्ट करने आया था मार्केट, लेकिन नीचे की साइड ही क्लोजिंग मार्केट फिलहाल दे रहा है। तो अगर आज देखेंगे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है, जो कि हमारा ये वाला एक लेवल था, इसको टच करके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये वाला जो लेवल है हमारा पहले से ड्रॉ हुआ है, इसकी क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 21,457 का हमें मिला है, जो कि यहाँ तक आ रहा है ये वाला जो है, इस पॉइंट पे क्लोजिंग मिला है। इस कैंडल का अभी आप कंसीडर मत करिए, ये आफ्टर मार्केट का क्लोजिंग है जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला 21,457 का। तो इसमें भी अगर ये इंडाइसिस में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, जिस जो मल्टीपल टाइम ये भी टेस्ट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बार है। तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलेगा तो आप ये वाला जो डे लो है, जो कि 21,400 का है, तो इसके नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी जो आपको लेके आएगी कम से कम ये वाला जो गैप रीजन है 21,280 का, 280 से लेके 290 यहाँ तक एक हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, जो कि तीनों इंडेक्सेस में अच्छा खासा एक शार्प फॉल आया है बाद में, इसे हम प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करेंगे। तो नीचे की साइड में अगर इसका टारगेट हम मार्क करें, मैं प्राइस लेवल लगा देता हूँ इसको, ये वाला हमारा नीचे का टारगेट होने वाला है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे ही ये वाला आज का डे लो ब्रेक करेगा मार्केट तो 21,322 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये वाला जो गैप रीजन है
मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये वाला हमारा रहेगा सेकंड टारगेट, जो कि है 21,288। ये टारगेट हमें कल देखने भी मिल सकते हैं। फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा सेल ऑफ कंटिन्यूशन हो सकता है तीनों इंडेक्सेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो ये था आज का एनालिसिस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।